हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा, हम लोगों का जो डिस्कस चल रहा था वो चैप्टर 14 पर चल रहा था, और जो आपका चैप्टर 14 है वह टाइम है। वह क्या है? टाइम। और चैप्टर 14 में भी बेटा हम लोगों ने दो एक्सरसाइज कवर कर लिया, 14A एंड 14B। और आज बेटा उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एक्सरसाइज है वह है 14C। आज जो आपका एक्सरसाइज है वह क्या है? 14C है। तो 14A में सिंपली हम लोगों ने टाइम के बारे में समझा, 14B में हम लोगों ने टाइम का सम एंड टाइम का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में देखा, और अब हमारा आज 14C है। तो 14C में टाइम का मल्टीप्लिकेशन एंड टाइम का डिवीजन मतलब डिवाइड ये कैसे होता है, इसको हमको देखना होगा इसमें, कि टाइम का मल्टीप्लाई कैसे होगा और टाइम में डिवाइड कैसे होगा। तो चलिए, एक्सरसाइज पर चलने से पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं एक एक, फिर हम लोग एक्सरसाइज पर सीधे आते हैं। अब सपोज दैट, मान लीजिए कि आपका दिया गया है टाइम 5 hours 3 minutes and 25 seconds, ये दिया गया है, और इसी में मल्टीप्लाई जो करना है वो 5 से करना है। किससे करना है? 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 5 का मल्टीप्लाई इधर से करेंगे, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे, सब कुछ जैसे जनरली आप लोग मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करते हैं वही करेंगे, केवल जब टाइम की बात आए मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको मिनट सेकेंड एंड आवर में एडजस्ट करना होगा। तो ये 5 से 5, 5 जा 25, 2, 5, 2 जा 10, प्लस 2 12। अबे सेकेंड के नीचे जो सेकेंड का है उसको रखेंगे, मिनट के नीचे जो मिनट का है उसको रखेंगे, आवर के नीचे जो आवर का है उसको रखेंगे। 5 3 जा 15, ये 15 हो गया, एंड 5 5 जा 25। तो अब बेटा देखिए, जो आपका आंसर आता है वो आता है 25 hours 15 minutes and 125 seconds। तो बेटा आवर्स एंड मिनट्स में जो चीज़ें आ रही हैं वो तो सही है अपनी जगह पे, बट जो सेकेंड है, सेकेंड में हम लोगों ने कभी सुना नहीं है उससे ऊपर। सेकेंड में 125 सेकेंड तो नहीं कहते सुनेंगे किसी को, जो भी कहेगा सेकेंड में 60 के अंदर ही रहेगा, बिकॉज 1 minute इज इक्वल क्या होता है, 1 minute इज इक्वल होता है 60 seconds, एंड 1 hour इज इक्वल क्या होता है, 60 minutes, राइट। 1 minute इज इक्वल 60 seconds एंड 1 hour इज इक्वल 60 minutes, राइट। तो अब इतना मालूम है, तो जो भी मिनट में भी जो बातें होती हैं वो विद इन 60 से कम ही होता है, और सेकेंड में भी जो बातें होती हैं वो 60 से लेस ही होती हैं, ठीक। तो अब जो आपका आया ये आपका 125 seconds आया, 125 seconds, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, 25 hours 15 minutes and 125 seconds। अब देखो इसको बेटा हम क्या रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं 25 hours plus 15 minutes plus 125 seconds, अब अगर ना चाहें प्लस में, ना चाहें तो प्लस में भी नहीं रखेंगे तब भी आपका चल सकता है। आवर 15 minutes and 125 seconds जो है इसको सीधे रख सकते हैं बेटा 62 जा 120, ये कितना होगा, ये 120 ही होगा, और प्लस 5, मतलब कि 60 multiplied by 2 plus 5, ऐसे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं 60 multiplied by 2 plus 5 रख सकते हैं। तो ये आपका आया 25 hours, ये आपका आया 15 minutes, और ये आपका क्या हो गया 60 multiplied by 2 plus 5। अब 60 का क्या होता है, 1 minute होता है, तो 2 multiplied by 60 है, तो मतलब वो क्या हो गया, ये आपका जो आया वो क्या हो गया, 2 minutes plus 5 seconds, ये क्या है आपका, ये सेकेंड है, और ए भी अभी सेकेंड था अब मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो 5 सेकेंड। अब 2 मिनट जो है बेटा 15 वाले में ऐड हो जाएगा,
तो आपका जो आंसर रहेगा वो 25 आवर, 15 में 2 ऐड हो गया तो 17 मिनट एंड 5 सेकेंड, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। ऐसे आप लोगों को इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो बेटा अब हम लोग आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, और जो आपका एक्सरसाइज है वो 14C है, और 14C में देखे क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई है, सीधे लिखा गया है मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो है उसमें है 3 मिनट 20 सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 2, पहले ये देखते हैं फिर उसके बाद ये। अब दो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, रेस्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं, 2 क्वेश्चंस हम करा दे रहे हैं। तो ये देखिए क्या है, ये मिनट यहाँ रख लेते हैं क्योंकि इसमें आवर दिया नहीं गया है, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा मिनट हो जाता है, यहाँ पे हमारा सेकेंड हो जाता है, आवर का भी रख लीजिए, कभी कभी कैरी के फॉर्म, वो कैरी के फॉर्म में भी आवर आ जाता है तो रखे रहेंगे मल्टीप्लाई के साथ। अब मिनट के नीचे मिनट, आवर तो दिया नहीं गया है, यहाँ 3 कर दिए, यहाँ 20 कर दिए, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिए, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिए, तो ये आपका 40 हो गया, ये आपका 6 हो गया, और ये आपका आवर में 0 ही था, तो ये आपका तो आवर में कुछ आया नहीं, तो जो आपका आंसर आया वो तो आ गया आपका सीधा सीधा 60 मिनट एंड 40 सेकेंड, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बेटा, ओके। अब इसी का एफ देखिए है, तो इसमें ए आवर है, ए मिनट है, और ए सेकेंड है, ए 7 है, ए 52 है, ए 23 है, ए मल्टीप्लाई बाई 7 है, तो 7 3 जा क्या हुआ, 21 हुआ, कैरी ऑन 2, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16 161, एंड अगेन अब मिनट में आइए, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 35 में प्लस 1 कर देंगे 36, ये इतना हो गया, और इधर आवर में 7 7 जा 49। अब देखिए, अब आवर तो जो है सो है ही है, मिनट में 364 मिनट्स हैं, आपने किसी को यह कहते नहीं सुनेंगे कि फिर 2 बजकर 364 मिनट हो रहे होंगे, ऐसा कोई नहीं कहेगा। तो अब देखिए, अब जो है अब क्या करेंगे, अब ये है बेटा आपका 49 आवर 364 मिनट और 161 सेकेंड। अब इसी को क्या करना है, अब देखिए ये 49 आवर बना रहा, अब ये 364 जो मिनट है इसको क्या करेंगे, 364 मिनट का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड्स, तो 364 आवर को का सॉरी 364 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 आपका आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया 360 मिनट प्लस 4 मिनट, राइट। ये तो आपका मिनट वाला हो गया, ये हमारा मिनट वाला हो गया। अब इधर 161 सेकेंड है, तो ये आपका कितना हो गया, 120 सेकेंड प्लस 41 सेकेंड, राइट। तो ये आपका हो गया 49 आवर प्लस 360 मिनट का मतलब क्या हो गया, 6 मिनट हो गया। 360 मिनट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए आया है, अरे सॉरी 6 आवर, 360 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, 6 आवर्स हो गया। तो ए आपका क्या हो गया, यहाँ पे आएगा ये 6 आवर प्लस ए 4 मिनट ही है, प्लस ए 120 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 2 मिनट्स हो गए, ये आपका क्या हो गया, 2 मिनट्स, ये आपका 2 मिनट्स हो गया, और ये आपका 41
सेकेंड हो गया, तो अब देखिए 6 इस साइड में है जो ऐड हो जाएगा, तो ए आएगा 55 आवर प्लस ए जो है बेटा ये 4 मिनट है, 2 मिनट इधर मिनट वाले में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 मिनट और ए आपका जो है 41 सेकेंड, तो जो आपका फाइनली आंसर होगा यही होगा 55 आवर, ये प्लस साइन हटा दिया जाएगा, 55 आवर 6 मिनट एंड 41 सेकेंड, यही आपका क्या हो गया आंसर, राइट। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है, मल्टीप्लाई जैसे करते थे वैसे ही करना है, ओनली सेकेंड्स के नीचे सेकेंड को रखना है, मिनट के नीचे मिनट को रखना है, आवर के नीचे आवर को रखना है, उसके बाद में उन सबको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। जो भी मिनट जो है, अगर मिनट में 60 से अबव है तो उसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, और यदि सेकेंड में 60 से अबव है तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट वाले को मिनट वाले के साथ रख देंगे, आवर वाले को आवर वाले के साथ रख देंगे, सेकेंड को सेकेंड के साथ, ओके। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह डिवाइड है, वह क्या है आपका डिवाइड, तो हम देखेंगे एक टाइम में डिवाइड कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है, देखिए कह रहे हैं 40 मिनट्स 20 सेकेंड एंड डिवाइडेड बाई 4 है, तो 4 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ओके। तो अब देखिए 41 पहले मिनट में डिवाइड करेंगे, इसके बाद सेकेंड में जैसे डिवाइड करते हैं वही प्रोसेस रहेगा। अब स्टार्ट में आवर होता तो आवर होता, नहीं आवर है मिनट है तो मिनट में करेंगे। 41 ज़ा 4, ये चला गया 0 आ गया, 40 ज़ा 0 ये चला गया, इसका मतलब ये जो 10 आ गया वो क्या है, ये मिनट्स है, ये आपका क्या है मिनट्स। अब हम आते हैं सेकेंड्स की तौर, अब हम कहाँ चलते हैं सेकेंड्स में, तो सेकेंड्स में क्या है 20 है, तो 4 5 जा 20, तो ये आपका क्या आ गया आंसर, आंसर आपका आ गया 10 मिनट 5 सेकेंड्स, टेन मिनट फाइव सेकेंड्स, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ओके। अब चलिए इसी का, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 6 देखिए बेटा, तो इसमें 11 आवर 6 मिनट एंड 5 सेकेंड है, 11 आवर यहाँ पे आवर ऐसे कर दीजिए, वहाँ से साइड में रखने से अच्छा है कि सबका क्लास डिवाइड कर दीजिए, ये आवर हो गया, ये आपका मिनट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। अब इसी के ऊपर उसका आंसर भी रख दीजिएगा, तो ये हुआ 11 आवर, ये हुआ 6 मिनट, ये हुआ 5 सेकेंड डिवाइडेड बाई 5, तो जब हमने 5 से डिवाइड किया 5 2 10 हो गया, ये 1 आवर बच गया रिमाइंडर। अब 1 आवर में क्या होता है, कितने मिनट्स होता है बेटा, 60 मिनट्स होता है। अब बारी आई मिनट की, अब 1 आवर रिमाइंडर बच गया है तो डिवाइड होगा नहीं, अब हो जाएगा मिनट की ओर। जब मिनट की ओर हम उसको शिफ्ट करते हैं तो ए आपका कितना हो जाएगा 5 सॉरी ये 1 आवर था, 1 आवर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 मिनट, तो ए हो जाएगा, अब 60 मिनट ए हो जाएगा और प्लस 6 मिनट ए मिनट वाला जो है, तो टोटल आपका कितना हो गया 66, टोटल जो हमारा मिनट हुआ वो कितना हो गया 66 हो गया। अब 66 में डिवाइड कीजिए 5 से, तो 5 1 से 16 हो गया, 5 3 15 हो गया, ये 1 मिनट यहाँ भी रिमाइंडर बच गया, आपका जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा 1 मिनट। अब ये इधर देखिए 1 मिनट इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये 60 सेकेंड्स हो जाएगा, और 60 सेकेंड में 5 सेकेंड ओवरऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब 65 में 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 5 और ये 15 हो गया, 5 3 15, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, आंसर आपका आया बेटा 2 आवर 13 मिनट एंड 13 सेकेंड्स, यही आपका क्या हो गया आंसर 2 आवर 30 मिनट एंड 30 सेकेंड।
नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं अ प्रोग्राम स्टार्टेड, एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है कब, एट 5:30 PM का मतलब क्या है, PM मीन्स क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन, मीन्स आफ्टर 12 o'clock, आफ्टर मिड डे या आफ्टर मिड डे कह सकते हैं, मतलब कि दोपहर के बाद का जो समय होता है उसमें आएगा 5:30। वो कह रहे हैं इतने बजे पर स्टार्ट हुआ था और वह चला कितने टाइम, 3 hours 45 minutes, 3 hours 45 minutes के बाद वो प्रोग्राम जो था वो समाप्त हो गया, ठीक है, 3 hours 45 minutes के बाद वो प्रोग्राम फिनिश हो गया। तो कह रहे हैं कि जब वो प्रोग्राम फिनिश हुआ मीन्स आफ्टर 3 hours 45 minutes, तो उस समय टाइम हो क्या रहे थे, घड़ी में क्या बज रहे थे। तो चलिए सॉल्यूशन, स्टार्टेड टाइम क्या है, स्टार्टेड टाइम इज इक्वल है 5:30 PM, इसका मतलब क्या हो गया, 5 hours and 30 minutes, और कार्यक्रम चला लास्टेड का कब है, प्रोग्राम में यहाँ रख दीजिएगा, यहाँ प्रोग्राम लिख लीजिएगा, नेक्स्ट में प्रोग्राम लास्टेड, तो ये क्या है, आफ्टर 3 hours 40 minutes, अब 3 hours 45 minutes के बाद वो क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। तो अब वो कह रहे हैं कि तो किस टाइम पे फिनिश्ड हुआ, तो टाइम ऑफ प्रोग्राम फिनिश्ड तो ये आपका क्या हो जाएगा, इधर देखिए आवर रख दीजिए और इधर आपका मिनट रख दीजिए, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये 5:30 पर स्टार्ट हुआ था और चला था 3:45, तो जब हमने इसको ऐड किया तो ये क्या आ गया, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया। अब 8 hours 75 minutes, 75 minutes तो आपने सुना नहीं होगा, तो अब 75 minutes को ही क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे आवर में, तो ये देखिए हो जाएगा 8 hours, और ये हो जाएगा 60 minutes plus 15 minutes, भाई 60 में ही 15 ऐड करेंगे तभी तो 75 आएगा। अब ये 60 मिनट क्या हो गया, 1 hour में कन्वर्ट हो गया, तो इधर से क्या हो गया, 1 hour इधर आया, तो ये हो गया 9 hours, और वो आपका 15 minutes, यही आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं अ मैन प्रेस, एक आदमी जो है वो प्रे करता है, प्रार्थना करता है फॉर 30 मिनट, कितने मिनट, 30 मिनट्स प्रेयर करता है एवरी डे, प्रत्येक दिन मतलब डेली बेस पर वो आदमी 30 मिनट्स पूजा करता है, प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है। कह रहे हैं हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड, वह कितना समय स्पेंड करेगा इन प्रेयर्स इन अ वीक। अब वो कह रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति डेली बेस पे 30 मिनट्स पूजा कर रहा है, तो 1 week में वह कितना टाइम पूजा में स्पेंड कर देगा, खर्च कर देगा, मतलब वो कंटिन्यूस ऐसे ही 1 week तक किया तो पूजा में उसका टोटल टाइम कितना गया, ठीक है। तो अब बेटा पहले तो ये जानिए कि 1 week में डे कितने होंगे, 1 week इज इक्वल क्या हो जाएगा, 7 days होगा, 1 week इज इक्वल क्या हो जाएगा, 7 days हो जाएगा। अब देखिए मैन स्पेंड टाइम इन प्रेयर एवरी डे आदमी जो है टाइम प्रेयर में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो है 30 मिनट,
वो कितना है 30 मिनट। देन मैन स्पेंड टाइम इन प्रेयर इन 7 days। तो ये आपका क्या हो गया 30 मिनट मल्टीप्लाई बाय 7 तो हो गया 210 मिनट्स। कितना हो गया 210 मिनट्स। अब 210 मिनट्स तो भाई बोला नहीं जाता है, मतलब ज़्यादा 60 मिनट से ज़्यादा है। 210 मिनट इज़ मोर देन 60 मिनट्स। अब जब वो 60 मिनट से ज़्यादा है तो उसको हम क्या करेंगे आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फिर क्या करेंगे 210 जो है इसमें 60 से डिवाइड कर देंगे तो 6 3 18 ये आपका क्या आ गया 30। तो इसका मतलब जो आपका आंसर आया वो आया 3 hour 30 minutes। 3 hour 30 minutes यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 3 hours and 30 minutes ये आपका क्या हो गया आंसर। ओके तो इस प्रकार बेटा आपका ये एक्सरसाइज यहीं पे ओवर हो गया। हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कैसे किया जाएगा टाइम में दोनों के बारे में आप लोगों को बता दिया और कुछ क्वेश्चंस भी बताए और कुछ आप लोगों को करना है। अब आज के लिए बेटा जो HW है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 2। क्वेश्चन नंबर 1 में भी कई सबसेक्शंस दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में भी कई सबसेक्शन, मतलब कई वर्ड कई प्रॉब्लम्स हैं, एक एक क्वेश्चन में अनेकों क्वेश्चंस हैं। 1 2 3 4 5 and 6 ये आपका क्या है आज के लिए HW है और इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज 14C ओवर हो गया। ओके थैंक्स।